सब्सक्राइब करिए ईएमटी सॉल्यूशन चैनल को लेटेस्ट टेक वीडियो और सभी तरह के टेक्नोलॉजी लेटेस्ट सॉल्यूशन पाने के लिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज सभी जन एमटी सॉल्यूशन में। दोस्तों, काफी लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि कैसे हम वर्डप्रेस के अंदर sitemap.xml फाइल और robert.txt फाइल ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूं कि भैया कैसे आप sitemap.xml फाइल और robert.txt फाइल वर्डप्रेस के अंदर ऐड कर पाएंगे, क्योंकि ये जो sitemap xml फाइल है इसके अंदर आपको पूरी जो वेबसाइट होती है उसकी जो लिंक्स होते हैं पेजेस के वो यहाँ होते हैं, जिससे कि ये इसको क्रॉल करता है, जो गूगल होता है वो उनका इंडेक्स करके उन्हें चेक करता है, जिससे कि गूगल पे आपका SEO सबसे बेटर हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कैसे हम sitemap.xml फाइल और साथ ही robert.txt फाइल ऐड करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूले, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं जैसा कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं, यहां पे मैंने अपने वेबसाइट को लॉगिन कर रखा है, यानी वर्डप्रेस को लॉगिन कर रखा है। अब यहां पे पहले सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूं कि sitemap.xml फाइल अवेलेबल है या नहीं। तो इसके लिए मैंने www.emtsolution.co.in लिखा, यानी मेरी वेबसाइट का नाम लिखा, उसके बाद मैंने स्लैश लगा के sitemap.xml फाइल लिखा। जैसे मैं लिखता हूं तो ऑटोमेटिकली जो xml फाइल है वो यहां से आ जाएगी, क्योंकि ये पब्लिकली एक्सेसिबल रहती है। चाहे आप robert.txt फाइल लिखे, चाहे आप sitemap.xml फाइल लिखे, दोनों ही फाइलें यहां पे पब्लिकली आपको दिख जाएगी अगर किसी वेबसाइट के लिए बनी हुई होगी। तो देख सकते हैं मेरे सारे जो पेजेस है, सारी जो चीजें हैं यहाँ पे आ चुकी है, यानी गूगल का क्रॉलर इसे आसानी से चेक कर सकता है और मेरे फाइलों को, मेरे वेबसाइट को इंडेक्स करके उसे टॉप रैंकिंग दे सकता है। अब यहाँ पे robert.txt फाइल में चेक कर लेता हूँ तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है आई थिंक। तो यहाँ पे दोनों चीजें अवेलेबल है। अब ये कैसे ऐड करनी है आपको, ताकि जो गूगल का क्रॉल है वो उसे चेक करे और उसे इंडेक्स करे। अब दोस्तों, दोनों फाइलें ही यही काम आती है, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, sitemap.xml फाइल होती है वो आपके पेजेस को इंडेक्स करने के काम आती है। robert.txt फाइल होती है वो ये चेक करवाती है गूगल के अंदर कि किस फाइल को आपको एक्सेस करना है, किस फाइल को नहीं करना, यानी उसमें अलाव और डिसअलाव का ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिससे कि गूगल के में उसे ही चेक करता है जिसमें robert.txt में जो फाइल अलाव लिखी हुई होती है। अगर जो फाइल डिसअलाव करी होती है उसे वो इंडेक्स नहीं करता है। अब यहाँ पे इसे कैसे ऐड करना है, दोस्तों यहाँ पे आपको अपने वर्डप्रेस में प्लगइन के ऊपर जाना है। जैसे आप प्लगइन पे क्लिक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा काम होता है वो प्लगइन के थ्रू होता है। अगर वर्डप्रेस में कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो प्लगइन के थ्रू ही ऐड होगा। तो यहाँ पे आप प्लगइन्स पे जाएंगे, प्लगइन्स पे ऐड करने के बाद में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे sitemap.xml फाइल पे जाएंगे। अब दोस्तों, sitemap.xml फाइल पे जाने के बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक प्लगइन अवेलेबल हो जाएगा। आपको वो वाला प्लगइन अब ऐड करना है जो मैं बताऊंगा। यहाँ पे गूगल का प्लगइन है, गूगल xml sitemap। वैसे तो बहुत सारे प्लगइन यहाँ मिल जाते हैं, बट यहाँ पे गूगल xml sitemap वाला प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। आप देख पा रहे हैं ये SEO के लिए काफी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है गूगल का प्लगइन है, तो इस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्लगइन लोग बनाते रहते हैं बट वो इतना वर्क करे ना करे, बट ये मुझे पता है कि प्लगइन अच्छे से वर्क करेगा। तो इसको आप एक्टिवेट कर लीजिए, आप इंस्टॉल कर लीजिए, तो उसके बाद आपका यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, इसे एक्टिवेट कर लीजिएगा। जैसे मेरा एक्टिव है अभी। इसके बाद में दोस्तों, अगर आपको robert.txt वाली फाइल है वो ऐड करनी है, तो कौन सा वाली फाइल आपको ऐड करनी होगी, कौन सा प्लगइन आपको ऐड करना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको robert.txt फाइल भी लिखनी है, उसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब दोस्तों, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको यहाँ पे जाकर ये प्लगइन को एक्टिवेट करना है। ऑटोमेटिकली ये इसकी फाइल्स को उठा लेगा, उसको इंडेक्स कर लेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, यहाँ पे सबसे ईजी है। अगर वर्डप्रेस की हम बात करते हैं, वर्डप्रेस बहुत ईजी है इन चीज़ों को ऐड करना। तो आप robert.txt पे जाइए, यहाँ से आप इस पर क्लिक करके एक फाइल आएगी, मैं बता दूंगा आपको। आपको केवल वही लाइक प्लगइन इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाला जो प्लगइन है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला प्लगइन आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ये प्लगइन काफ़ी अच्छा है, आप इसे इंस्टॉल करेंगे दोस्तों तो आपका आसानी से जो इंडेक्सिंग भी प्रॉपर वे में होगी। फिर आपको लगता है कि मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए, कुछ ऐसा कस्टम प्लगइन ऐड करना है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें ही, इसमें आप एडिशन कर सकते हैं, इसको ही आप अपडेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हो जाती है आपको आसानी से, आप इसे ऐड करिए और अपने गूगल को, अपनी वेबसाइट को गूगल पर आसानी से इंडेक्स कर सकते हैं, गूगल आसानी से इसे चेक करेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़ें, क्योंकि कोई भी वेबसाइट बनाने वाला बंदा ये चीज़ें नहीं करता है, क्योंकि काफ़ी कंपनी वेबसाइट बना तो देती है बट इन चीज़ों को ऐड नहीं करती, जिससे आपकी वेबसाइट है वो इंडेक्स नहीं हो पाती प्रॉपर वे में। तो अभी आप इसे ऐड कर लीजिए अपनी वेबसाइट के अंदर। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे अभी कमेंट करना ना भूले, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसे वीडियो आप सबको मिलते रहें।